अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोग से माजा चाहता हूँ, कितने दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी मतलब सहूलियात थी तो इस वजह से नहीं मैं ब्लॉग बना सका। और आपको अपने जो बर्ड्स वगैरह उनकी अभी अपडेट देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो हड़ा वाला पिंजा था, ये मैंने आप लोगों को आखिरी ब्लॉग के अंदर जब खुद का मैंने अपना ब्लॉग बनाया था जिसमें मैं था, तो ये वाला पिंजरा अंदर था और ये जो है ना बाकी बाहर थे। कि क्या उस वक्त जो हमारी पोती थी उसने अंडे दे रहे हुए थे, तो इस वजह से जो है ना मैंने जो है ना वो बाहर नहीं मतलब जो पिंजरा वो बाहर नहीं करा। ऐसा ना होता कि वो अपने अंडे छोड़ देती। तो जब इनके बच्चे निकले तो हमने इनका जो पिंजरा वो रखा बाहर। मेरा जो छोटा भाई उसने भी ब्लॉग बनाया, तो आपको उससे भी शायद दिखाया हो अगर आपने हमारी वीडियो देखी। तो ये थे, इस वजह से जो है ना तो रखे थे अंदर, तो अब रखे बाहर। और ये इसमें एक भी एक होती बैठी जिसमें जो है ना कल के परसों मैंने देखे थे 4 अंडे थे, और जिसमें जो अंडों का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका। और ये हमारे कॉकटेल जो हमने बदली करवाए थे, हमारे पास पहले ग्रे थे, अब हमारे पास ब्लैक कॉकटेल है। ये मैं फीमेल बैठी हुई और ये हमारा मेल। इनकी हमने मटकी भी लगाई थी जो कि निकाल दी। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ब्लू बसमाटा और अब हड़ है। इनके भी इंशाल्लाह जब इनका सीज़न वगैरह आएगा अंडे देने का, तो हम इनके जो केज है वो अलग कर देंगे। यानी कि हमने एक दो बंदों से खरीदी है, बात की हुई केज की, तो भाई इंशाल्लाह हमें केज देंगे। और एक केज हमारे पास रखा हुआ बड़ा, तो वो भी इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। और ये हमारे जो तीनों जो हम देखा होगा, पहले हमने हमारे पास दो थे, फिर हमारे पास 4 हो गए, 2 हम लेकर आए। और ये मैंने दिखाया था आपको, हमने 2 अंडे दिए थे, एक अंडा ख़राब था तो एक का बच्चा निकला जो इस तरह था बैठा हुआ। और अंडों पे अभी ये कितने जो था उसने 2 अंडे और दिए जिनके ऊपर अभी वो फैटी हुई। और ये हमारे फिशरी हैं। ये दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास 4 थे और फिर हम 4 और लेकर आए, जिसमें से 2 जो है ना भाग गए। मतलब जिनका जो जिस जगह से मैं इनको पानी वगैरह डालता हूँ इस जगह से, ये मुझसे जो है ना पता नहीं शायद खुला रह गया या ठीक से बनी हुआ। उन्होंने जो डब्बा था पानी का वो बाहर निकाल के एक भागा, फिर दूसरी मतलब भागा, तो इस वजह से जो है ना ये भाग गया। और ये हमारी चीज़ें हैं, उन्होंने भी रखी। और दोस्तों आपको एक और सरप्राइज दूँगा, क्योंकि हमने जो है ना वो अभी रखी हुई है, तो हमने किसी जगह बांधी हुई है। तो अभी हम सबसे पहले उस जगह आएंगे मिल्कशेक वगैरह पी के, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे पसीना बहुत आ रहा है, कराची में गर्मी बहुत है जिसका मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं अंदाज़ा लगाओ ना। बोलो गाइस, टेम्परेचर गाइस देखो अभी, हाँ देखें हवा हल्की हल्की तो चल रही है, क्योंकि मौसम हवा हल्की हल्की चल रही। हमारे जो परिंदे इस जगह वैसे बहुत खुश हैं, ना इनको कोई मसला है, ना इनको कुछ भी, इनको गाइस कुछ भी मसला नहीं है। और देख सकते हैं तो उनके अंदर करने आ रहे हैं। तो गाइस ना आपको वो लगा जैसा आपको होगा वह पता, पाकिस्तान में तो तूफान बन चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया, लेकिन आधा इंडिया डूब चुका है। हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कराची के अंदर जो तूफान है वो ढकने वाला था समंदर के तौर पर, मगर वो दूर हो गया, हमसे दूर भाग गया। और इंडिया का जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो हवा हो चुका है, पर आधा वादा तो तबाही हो गया, मतलब क्या कर पानी आ गया, मतलब ये रहा इंडिया, बस इतना आया पानी। हाँ, इंडिया जो सुनने में आ रहा है कि खा काफी डूब गया, हम तो देखते ही नहीं। हमारे इस जगह भी बहुत बारिशें हुई थी एक दो दिन पहले, तो जो है ना हमारे जो बर्ड्स वगैरह वो बचे हुए थे, तो क्योंकि जैसा कि ये तड़पाल देख सकते हैं येलो कलर की, जब बारिश वगैरह आती है तो हम जो है ना नीचे कर देते हैं, ये बिल्कुल जिस जगह मेरा पैर इसी जगह तक आ जाती है, तो बर्ड ना पानी वगैरह से बच जाते हैं। और शाम के वक्त जो है ना हम इनका ऊपर कर देते हैं। तो गाइस अभी मेरी मम्मा बना रही मिल्क शेक, कितनी देर है मिल्क शेक 5 मिनट बन चुका है भाई, 5 मिनट में अभी बन जाएगा, फिर हम वो पी के अपनी बहन को छोड़ के आएंगे, और फिर उसके बाद मैं और अयान कब्रिस्तान जाकर फिर जो है ना हम जाएंगे एक जगह, हमने जिस जगह अपनी घर आए खड़ी की हुई है उस जगह, तो इंशाल्लाह देखना हम जो है ना गाय को बहुत भी घुमाएंगे। तो आज जब हम मिल्कशेक पीते हैं, घुमाऊंगा उस गाय को, अयान भी शायद उस गाय को घुमाए, क्योंकि वो जब मैंने ककालू से देखी थी तो बहुत उससे आ जा रही थी।
बहुत गुस्से आ रही थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो पिछले गली में रहता था एक अंकल थे, उनके पास ना बहुत सारी गायें थी। उनकी एक गाय इतनी मासूम, मेरा छोटा कजन है आराम, वो इतना सैफ, वो भी उसे टहला सकता था, इतनी मासूम थी। उसको सिर्फ मैंने अकेले ठहराया तो बड़ी मासूम। गाय जिसको ना बड़ा शौक है, हम लोग ना सोचते हैं कि जो है ना एक जगह गाय पैदा हो रही थी और एक जगह ये उसकी रूह इसमें आ गई, इसकी रूह जो है ना उसमें छाई चली। हम इसका इस वजह से ना मजाक उड़ा, क्योंकि इसको गाय बकरी बैलों का बहुत शौक है बच्चों। तो चलो इंशाल्लाह अभी हम मम्मा मिलकर बनाती है। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा गिलास है, ये आला और ये अयान का गिलास है, अयान पी रहा है। अयान कैसा है? बड़े मजे का गिलास। तो गाय हम भी पी के दिखा दें, मज़ेदार है। गाइस बहुत मज़े का मैंगो शेक है, गर्मियों में आपको भी पीना चाहिए, ठंडा गर्म मज़ा आ गया। कुल्फी आप लेके खाली हो गई और मंगवाया गिलास इस तरफ करना। गाय मैं आपको बता दूँ, आप स्टील के गिलास में शेक बनाए, अंदर स्टिक विस्टिक डालें और आइसक्रीम बना ले, फिर उसको आप खाएं, मज़ा आएगा खाने के बाद। अभी हम कहाँ हैं, वहाँ जा रहे हैं गाय बनाना। अभी हम खाला के घर जा रहे हैं, तो हमारे छोटा कज़न है वो भी आएगा और हमारे खालू भी आए हुए हैं जिनकी गाड़ी है। तो चलो हम नॉक नॉक करते हैं दरवाजे को, अब फिर हम जाएंगे गाय के पास। आते हैं गाय के पास, आते हैं। जैसे कि हम लोग उनके घर आ चुके हैं, अपने नजर हो गए। तो अभी ये मिल्क पी रहा है, तो उसके बाद अभी हम जो है ना थोड़ी देर बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मुन्ना और आ गया शाहान, ये देखे कितने खुश लग रहे हैं। ये हमारी दूसरी खाला शाहान, ये देख सकते हैं शपाटर गए, शपाटर शपाटर गए मारती है, एक ये खड़ी हुई, एक वो रही और एक ये रही। वो आयान रहा, शपाटर को हाथ लगाते, शपाटर लगा रहे, शपाटर। गाय ना जब उतर रही थी ना, तो उसने गाड़ी को ऐसे लात मारी, तब वो जब जब ठीक होगी तो उसे छनछन पहना देंगे। अच्छा, अब उसके बाद उसको छनछन लगाओगे? गाय उसे छनछन। मैं घर आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपनी जो गाय उसको घुमाएंगे, मगर ना गाय वो खाना खा रही थी, तो खाना खाते हुए जानवर को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। अगर हमें कोई खाना खाते हुए डिस्टर्ब करें तो हमें गुस्सा आता है, इसी वजह से जो है ना उसको भी गुस्सा आता। और वो जो गाय थी वो थोड़ी मसला भी कर रही थी, मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जब हम उसे आग लगा रहे थे, वो हमें मतलब टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी, अपना सर इधर उधर मारे। तो कल इंशाल्लाह फिर से हम वहाँ आएंगे और जो गाय है उसको इंशाल्लाह कल हम घुमाएंगे। तो यह था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी इस वक्त हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।